नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस में। अरुणाचल में जो सेला सुरंग आज से लगभग 3 साल पहले इसका जो फाउंडेशन स्टोन था रखा गया था, वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाली है। और भारत के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। इट इज रियली अ थिंग ऑफ प्राइड कि इंडिया के द्वारा जो है वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल बनाया गया। और अपने आप में भी ये जो सेला सुरंग है काफी बड़ी उपलब्धि की बात है, बिकॉज दोस्तों इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 13,000 फीट की हाइट पे हो रही है। आपके सामने है ये वाली खबर, अरुणाचल सेला टनल प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय द ईयर एंड। सरकार ने इस केवल इस एक सुरंग को बनाने के लिए 700 करोड़ के आसपास का खर्चा ऑलरेडी कर दिया है। और वैसे तो इसकी जो कंप्लीशन थी ये जून 2022 तक होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिकॉज ऑफ वेरियस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी डिले हो चुकी है। अब ऐसा कहा जा रहा है द प्रोजेक्ट शुड बी ओवर बाय अक्टूबर नवंबर 2022। ध्यान रखिए, इसमें जो कुल खर्चा है सरकार का वो लगभग 700 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये सेला टनल जो है ये भारत के लिए क्यों विशेष है, ऑल्सो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसके बारे में भी दोस्तों आपके साथ चर्चा यहाँ पे करी जाएगी। एक और चीज देखिए कि ये भारत के लिए काफी बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल भी है, बिकॉज आज से कुछ साल पहले ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि शायद हम लोग इतना बड़ा टनल वो भी इतनी ऊंचाई पे जाके बना देंगे। लेकिन आज इंडिया ऐसी चीजें भी कर रहा है जो कि कुछ साल पहले शायद अनथिंकेबल थी, शायद अनडूएबल भी लग रही थी। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली डू दैट, सो दैट आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं। एक तो आपके सामने मैं ये वाला मैप दिखा रहा हूं, दूसरा आपके सामने मैं ये वाला मैप दिखा रहा हूं। तो पहले ये वाले मैप को देखिए, ये अरुणाचल में, कैन यू सी दिस थिंग, ये है आपका दोस्तों सेला पास, ठीक है। और ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री इधर, तो ये वाली बाउंड्री लग रही है भूटान के साथ, और ये वाली जो बाउंड्री ऊपर लग रही है ये लग रही है तिब्बत के साथ। तो ये सेला पास जो है ना, ये बहुत ही नजदीक है, तिब्बत के भी बहुत नजदीक है और भूटान के तो बहुत ही नजदीक है। ये जो सेला पास है इसकी जो हाइट है ये लगभग 13,700 फीट पे है। इसी सेला पास तक पहुंचने के लिए ये वाला जो टनल है उसको बनाया जा रहा है, और जो टनल की हाइट है ये अप्रोक्सीमेटली 13,000 फीट के आसपास बनाया जा रहा है, वेरी क्लोज टू द सेला पास इटसेल्फ। नाउ इसकी जो लोकेशन है वो अरुणाचल प्रदेश में, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहां पर की इसको जाकर के बनाया जा रहा है। सो यहां पे आप लोग देखिए, कामेंग में भी, वेस्ट कामेंग में बनाया जा रहा है। दिस इज द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो कि तवांग के साथ टच करती है। इधर दोस्तों ईस्ट कामेंग है, और ये जो वेस्ट कामेंग है ना, यहां कहीं पे आपको देखने को मिलता है सेला पास, जहां पर पे सेला टनल को बनाया जा रहा है। ऑब्वियसली सबसे पहला इसका फायदा तो यही होगा कि जब ये टनल यहां पे बन जाएगा, इट विल बूस्ट दी ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। तो जो यहां पर ये एलएसी है ना, ये वाली जो एलएसी है, यहां तक जो कनेक्टिविटी है बेहतर हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हमारे सैनिकों को और जनरली भी हमारे आसपास के नागरिकों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ये तो एक फायदा है ही, लेकिन इसके और भी कुछ फायदे हैं जिसको कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस सेला टनल प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड करवाया गया है। पहली बात तो ये कि जो प्रोजेक्ट है इसको बनाया गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो BRO है, जो कि ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को अक्सर बनाती रहती है, उसी के द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहां पे कंप्लीट करवाया जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में 2 टनल्स हैं और 1 लिंक रोड बनाई जा रही है। इस वाले मैप को यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, इसमें ये रहा आपका टनल नंबर 1, ये रहा आपका टनल नंबर 2। ये टनल नंबर 2 को जोड़ने वाली जो बीच में ये सड़क देख रहे हैं आप लोग, ये वाली जो सड़क है दोस्तों, ये वाली जो सड़क है ये है लिंक रोड। ये वाली सड़क इधर से अप्रोच रोड है और ये वाली सड़क इधर से भी आपकी अप्रोच रोड बनाई गई है। अब देखिए, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, यानी कि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं सेला प्रोजेक्ट में, उसमें ये आएगा और ये चीजें आएंगी, ये 3 चीजें आएंगी। 1 टनल आएगा, 1 लिंक रोड आएगी और 1 आपका दूसरा टनल आएगा। जो पहला टनल है इसकी जो लंबाई है ये 980 मीटर की है, लेकिन ये सिंगल ट्यूब टनल है, यानी कि इसमें आपको 2 लेन्स देखने को नहीं मिलेंगी। जो दूसरा टनल है ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, 1.555 मीटर, विद 1 बाय लेन ट्यूब फॉर ट्रैफिक एंड 1 एस्केप ट्यूब फॉर इमरजेंसीज रनिंग अलोंग साइड। और इसके अलावा जो लिंक रोड है जो कि दोनों टनल्स को जोड़ने वाली है, वो लगभग 1.2 किलोमीटर की होने वाली है। सो 1.2 किलोमीटर का लिंक रोड हो गया, 0.98 अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं उसका पहला टनल हो गया,
और 1.5 का दोस्तों आपका दूसरा टनल है। कुल मिला के 2.2 एंड 1.5 कुल मिला के लगभग 3.6 3.7 किलोमीटर के आसपास का प्रोजेक्ट है जिसको की सरकार यहां पे बना रही है। और इस 3.6 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को बनाने में माइंड यू 700 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इस चीज को समझिए, ये अप्रोच रोड है, यहां पे कनेक्ट करेगी टनल वन को, उसके बाद यहां पर ये है आपका लिंक रोड, फिर ये लिंक रोड कनेक्ट करेगा टनल टू को। ये टनल टू जो है ये बाई लेन है, ये सिंगल लेन है, और उसके बाद ये अगली अप्रोच रोड है जो कि आगे जाके नॉर्मल रोड के साथ कनेक्ट करने वाली है। ये है आपका पूरा का पूरा सेला प्रोजेक्ट। अब ये खास क्यों है? खास पहली बात तो इसलिए है कि जो दूसरे नंबर का टनल है, जो टनल टू, जो सुरंग नंबर दो है, इट विल बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अबव एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 13,000 फीट। तो इतना लंबा टनल इतने एल्टीट्यूड पे दुनिया में किसी और देश ने नहीं बनाया है। इट विल बी द लॉन्गेस्ट टनल्स टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। प्रोजेक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अप्रोच रोड ऑफ 7 किलोमीटर टू टनल वन। बिल्कुल सही बात है, विच टेक्स ऑफ फ्रॉम द बीसीटी रोड। सो टनल वन के लिए जो अप्रोच रोड थी, जो ये वाली अप्रोच रोड थी आप देख रहे हैं, ये वाली जो रोड है ये भी यहां पे बनाई गई है, ठीक है। ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है ये 7 किलोमीटर की है जो कि टेक ऑफ कर रही है बीसीटी रोड से, बालीपारा चारद्वार एंड तवांग एक्सिस रोड से ये शुरू हो रही है। ये वाली रोड अपने आप में 300 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इस रोड से 7 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनाई गई है, और अप्रोच रोड को आगे जाके फिर कनेक्ट किया गया है टनल के साथ, फिर लिंक रोड, और फिर आपका दूसरा टनल। समझे बात? The total length of the project, including the tunnels, the approach and the link roads, will be around 12 kilometers. तो आप देखिए प्रोजेक्ट में इनफैक्ट केवल ये तीन चीजें नहीं है, प्रोजेक्ट में इनफैक्ट ये सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है, पूरे की पूरी चीज को, नॉट जस्ट दीज थ्री, द एंटायर थिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। सो कुल मिला के जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है वो 12 किलोमीटर का बन रहा है, जिसमें ऑब्वियसली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, ज्यादा मुश्किल चीजें हैं वो टनल वन और टनल टू को बनाने वाली चीजें ही जहां पे ज्यादा कठिन थी। नाउ ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली पहली चीज तो ये है कि अगर इस प्रोजेक्ट को, अगर इस सेला टनल को हम लोग बना लेते हैं तो जो कनेक्टिविटी है तवांग की वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी बन जाएगी, एंड अदर फॉरवर्ड एरियाज इन द सेक्टर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट द प्रोजेक्ट प्रोमिसेस। करंटली क्या होता है कि जब सर्दी के महीने आते हैं उस टाइम पे सेला पास ऑलमोस्ट क्लोज ही रहता है, उस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए वहां पे सेला पास जो बंद रहता है उसको खोलने के लिए सेला टनल यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग साबित होने वाला है। इसके अलावा द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड न्यू अलाइनमेंट ऑन द एक्सेस टूवर्ड्स द LAC, और साथ में जो मिलिट्री की मूवमेंट है और जो सिविल व्हीकल्स की मूवमेंट है वो भी आपकी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें जो एडवांटेज है वो केवल मिलिट्री की नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी आपको देखने को मिल रही है कि आपकी ऑल वेदर कनेक्टिविटी LAC तक अब बन जाएगी, और इसका फायदा ऑब्वियसली आम नागरिकों को भी होगा जो कि आसपास के इलाकों में रहते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सो एक तरीके से इसके बेनिफिट्स अलग अलग हैं। ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग एंड फॉरवर्ड एरियाज, रिडक्शन इन मोर देन 1 आवर ऑफ ट्रैवल टाइम फ्रॉम तेजपुर टू तवांग, तो आपका समय बच गया। ट्रैवलर्स अवॉइडिंग डेंजरस स्नो कवर्ड सेला टॉप एट अ हाइट ऑफ 13,700 फीट, तो कई सारे जो यहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं उनकी जान को भी खतरा होता था, वो भी यहाँ पे बच जाएगा बिकॉज अब आपने एक काफी सुरक्षित यहाँ पे टनल बना दिया है। नाउ इसमें यह भी देखिए कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि मोर देन द टाइम दैट विल बी सेव्ड, इट इज द एबिलिटी टू क्रॉस द एरिया ड्यूरिंग विंटर्स दैट मैटर्स द मोस्ट, कि यहां पर सर्दियों में एटलीस्ट आप क्रॉस करने की क्षमता दे रहे हैं, पहले तो वो भी अवेलेबल नहीं थी, वो सबसे बड़ी यहां पे उपलब्धि है जो कि ये वाला टनल यहां पे दे रहा है। अगर फाइनली बात करें तो ये दोस्तों एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज से कुछ साल पहले किसने सोचा भी नहीं था कि इतनी ऊंचाई पर जाकर के भारत एक्चुअली एक टनल को बना देगा, लेकिन अब हमने ये कर दिया है। 50 से भी ज्यादा इंजीनियर्स, 500 से भी ज्यादा वर्कर्स हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेला टनल, और इसको जो बनाया जा रहा है वी आर यूजिंग द लेटेस्ट ऑस्ट्रियन टनलिंग टेक्निक्स, जिसकी मदद से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जा रहा है। सो ये था द स्टोरी रिगार्डिंग द सेला टनल। आपको कैसी लगी ये वीडियो डेफिनेटली बताइए, और आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट बुक आपके लिए एक नई पहल लेकर आया, दैट इज सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप लोग इंडिया के टॉप UPSC इंस्टीट्यूट के माध्यम से घर बैठकर पढ़ सकते हैं, और फीस भी काफी नॉमिनल रखी गई है, दैट इज ओनली 2,500 रुपीज पर मंथ, दैट इज 30,000 रुपीज पर एनम, जिसके ऊपर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, यानी कि 24,000 रुपए प्रति साल में आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर पाएंगे अगर आप लोग मेरा कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।